अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि जो कई महीनों से जो है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि भारत से जो चंद्रयान को चांद पे भेजा गया था कि सही सलामती के साथ वहां पहुंच जाए और वहां अपना काम करके वापस आए, तो प्यारे दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है, वो टाइम आ गया है कि चंद्रयान जो है चांद पर बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं। अब एक दो चार घंटे रह गए हैं दोस्तों, अब वो पहुंचने वाले हैं। वहाँ की तस्वीरात भेज चुके हैं, लोग देख चुके हैं, और जो चंद्रयान वहाँ पहुँचे थे तो अब चांद पे बस उतरने ही वाले हैं। दोस्तों आइए आप जो है इस वीडियो को देखिए, इससे आपको सारी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों पिछली बार वाली ऐसी कोई गलती ना हो जाए इस बात को ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर होगी तो कौन कौन सी चुनौतियां नजर आएंगी, वो एक एक करके आपको फिर से बताते चलते हैं क्योंकि ये जानना बेहद ही जरूरी है। पहली जो चुनौती सामने नजर आएगी वो ये है कि विक्रम की रफ्तार को नियंत्रित रखने की होगी, कि कैसे उसकी स्पीड को धीरे 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 कम किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उतरते समय लैंडर सीधा रहे। तीसरी बड़ी चुनौती जो नजर आ रही है वो तय स्थान पर उतरना और चांद की सतह पर ऊबड़ खाबड़ जगह पर होने वाले संभावित नुकसान से कैसे बचना है, इस बात का यहाँ पर खासतौर पर ध्यान देना होगा। और चौथी चुनौती जो नजर आ रही है वो लैंडर से लगातार संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि बार बार इसरो का ये दावा सामने आ रहा है कि सब कुछ ओके है, यानी कि सब कुछ ठीक है और तय समय पर ही चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो इस पर टिकी हुई है, क्योंकि आज भारत एक इतिहास रचने वाला है और इसीलिए हर किसी को इस पल का इंतजार है। बताया ये जा रहा है कि 5:45 पर ही चंद्रयान 3 जो है वो चांद के पास पहुंचने के लिए वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके जब 5:45 पर चंद्रयान 3 आगे की ओर बढ़ेगा उसके बाद बताया जा रहा। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको पता चला कि चंद्रयान अब जो है उतरने वाले हैं, बहुत ही जल्दी जो है उतरने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों पूरा भारत प्रार्थना कर रहा है, कोई दुआ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहीं कुरान खारी हो रही है, कहीं पूजा अर्चना हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, हर तरह से हर एक धर्म वाले जो है अपने अपने हिसाब से जो है चंद्रयान वालों के लिए जो है दुआएँ कर रहे हैं। दोस्तों मुसलमान सजदे में जाके दुआएँ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहीं कुरान खानियाँ हो रही हैं, मदरसे में कुरान खानियाँ कर रहे हैं, मंदिरों में प्रार्थनाएँ हो रही हैं और गिरजाघरों में उनके लिए दुआएं हो रही है, हर जगह हर तरफ जो है उनके लिए दुआएं की जा रही है। दोस्तों तो वो सभी की दुआएं, पूरे भारतवासियों की दुआएं जो हैं वो रंग लाई और आज चंद्रयान जो है चांद पर उतरने ही वाले हैं। फिर भी दोस्तों सभी लोग दुआ में लगे रहें कि कामयाबी और कामरानी के साथ घर वापस आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।